दोस्तों अक्सर हम सबके दिमाग में ये चीज रहता है कि हम जमीन के अंदर से पाइपिंग उड़ाएंगे तो क्या होगा, यही होगा जो यहां पे हुआ है मेरे काम पे। क्यों मैंने क्यों उड़ाया जमीन के अंदर से, याद अगर आप लोगों को होगा एक दिन रात में मैंने लाइव किया और मैंने तब बोला कि ये गलती जो मैंने की ये गलती आप लोग नहीं करना, वो गलती आज रियलाइज हो रहा है, वो है ये चीज। ये चेक कर लो, पानी नहीं आएगा यहां पे, देखो यहां पे भी चेक कर लो, पानी नहीं आएगा, ये चेक कर लो, कतरा कतरा आएगा बस, इससे ज्यादा पानी नहीं आएगा। ये बहुत सारे घरों के अंदर होता है, इसके वजह इसका वजह क्या है। अब कोई कहेगा कि इसके अंदर लगाना था फ्लोर, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें लगाना था बूस्टर, ये चेक कर लो वहां पे, किसी एक लोकल ब्रांड का नहीं लगाया है मैंने बूस्टर, यहां पे बूस्टर भी लगाया है मैंने एक हेवी ब्रांड का, 20,000 रुपए का ये छोटा सा मोटर लाया है हमने इंपोर्टेड, बट ये भी फेल हुआ। फेल होने का क्या वजह है, यही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। अब इसको क्या करना है आगे, ये जरूरी नहीं है कि किफायत जाफरी के साथ हुआ, किसी एक इंसान के साथ भी ये हो सकता है, कभी आपके घर में भी हो सकता है, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। मैंने क्या किया गलती, ये पाइप जो है ऊपर से ग्राउंड में दिया, ग्राउंड से फिर मैंने सबको दिया, वजह क्या था, यहां पे तोड़ भांग बहुत ज्यादा हमने किया जब ये रिनोवेट हो रहा था, बहुत ज्यादा तोड़ भांग किया, उसके बावजूद मैंने अपनी साइड से बेहतरीन करने की कोशिश की। ये लैब है, कैंसर लैब है, जहां पे कैंसर को रिसर्च किया जाएगा आने वाले टाइम पे, तो यहां पे अब क्या करना है मुझे वो पार्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन गलती मेरी है, आप लोग शेयर कर लो ताकि आप लोग सीख पाओगे, ये मेरी कोशिश है हमेशा। तो अब मैं दिखाने जा रहा हूं कि इसका दूसरा पार्ट, अब इसमें क्या करना है। बिजली लगा के ये चेक कर लो मोटर को, तब भी नहीं चल रहा है, इसका क्या फील, क्या दलील है, इसके पीछे से क्या राज है, वो भी बताऊंगा, कर लो फिलहाल बाद में बताऊंगा। ये मैंने ऑलरेडी इसको प्रेशर बूस्टर दिया है, लेकिन इसने काम क्यों नहीं किया टाइम पे, क्या क्या फॉल्ट है इसके अंदर, वो भी मैं बताऊंगा, ये कब काम करता है कब नहीं करता है। अब फिलहाल मुझे ये वाला मोटर इसके अंदर इनबिल्ट करना है, अब इसके साथ ये भी, ये वाला मोटर भी हमें ज्वाइंट करना होगा। अब मैं क्या करूंगा कि इसको ऐसे सीधा वहां तक लेके जाऊंगा, मेरे ख्याल से वही ठीक रहेगा। ओके, स्कूटी ऊपर ऐसे, ओके। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको काटना है, ये यूनियन जो मैंने दिया है इसको ऑलरेडी, ये अब मुझे काटना है। ओके, यहां तक तो आप लोगों ने प्रोसेस देखा। अब हमने क्या किया कि ये जो बूस्टर है, ऑटोमेटिक मोटर है, ये वहां पे रन करता है जहां पे ईयर जाम नहीं होगा, जहां पे ईयर जाम होगा वहां पे ये काम नहीं करेगा। ईयर जाम कहां पे होता है, जो मैंने पहले आप लोगों को बोला, यहां पे मेरी गलती हुई कि ऑप्शन नहीं था मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको जो करना है वो कर लो, हमें काम से काम मतलब है। तो अब मैंने इसको एडिशनल मोटर मैंने इसको इसलिए लगाया कि जब भी हमारा ईयर जाम होगा तो ये यहां से खींचेगा ये पानी को और पुश करेगा आगे, और सामने वाला पानी जो है वो रन करेगा, उसके बीच में हमें इसको ऑन करना है और सारा मसला गोल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर NRV नहीं है। अगर इसके अंदर NRV होता तो हम इस चाबी को कंटिन्यूस ऑन रख सकते हैं, मैंने NRV भी नहीं लगाया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे मसले हैं, तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज सीखने को मिलेगा कि एयर जाम प्रेशर बूस्टर होने के बाद भी होगा अगर हम ग्राउंड के अंदर से पाइपे मुड़ाएंगे। अब ये मोटर जो मैंने लगाया, अब इसको भी ट्राई करके देखते हैं, फिलहाल आप लोगों ने देखा नीचे पानी नहीं आ रहा था, तो लेट अस ट्राई अब क्या होगा आगे। दोस्तों यहाँ पे अब हमें समझना है कि असली फॉल्ट क्या है। देखो ये जो लॉफ्ट टैंक है, जब ये खाली होता है, कंप्लीटली खाली होता है, तो उस टाइम पे ये वाला मोटर मेरा रन नहीं करता है, जो मिनी बूस्टर मैंने लगाया है, जो ऑटो भी है मैनुअल भी है, उस टाइम पे रन नहीं करता है। यानी इस मोटर के अंदर एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यह है कि ये ड्राई रन नहीं करेगा, कभी ड्राई रन ये नहीं करेगा,
अब यहां से जो पानी जा रहा है नीचे नीचे तो मेरा ईयर जाम जा रहा है, क्योंकि मुझे पहले पता था कि मुझे बूस्टर लगाना है, तो मैं इसको ग्राउंड के अंदर मुड़ाया पाया। लेकिन अब यहां पे एक चीज का मामला हो रहा है, जब भी हम इस पानी को खाली करते हैं, कभी भी खाली हो सकता है टैंक उस टाइम पे, उसके बाद फिर ये वाला मोटर रन नहीं कर रहा है। अभी के टाइम पे रन करेगा आराम से, ऑन ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे मैं चाबी बंद करूंगा हो जाएगा। अभी बिजली नहीं है, बिजली आएगा मैं दिखा दूंगा, दिखा भी सकता हूँ। लेकिन उसके बाद मैंने समझा कि शायद मोटर के अंदर टारक कम है और नीचे ये पानी नहीं ले पाता है, प्रेशर नहीं दे पाता है। उस सूरत में मैंने क्या किया कि मैंने लाया दूसरा मोटर, मैनुअल मोटर, जो ड्राई रन है, जो ड्राई रन कर सकता है, जो नॉर्मली हम घरों में लगाते हैं मोटर, उसका इनपुट मैंने यहां से उठाया और आउटपुट मैंने यहां पे दिया। उसके बाद भी मोटर रन नहीं कर पाया ये वाला, जब मैं इस मोटर को बंद करता हूं ये वाला मोटर रन नहीं करता है। अब ये सारा गेम समझने के बाद मुझे एक ही चीज समझ आया, इसका ऑल्टरनेटिव जो मैं है जो है आप ऑल्टरनेटिव, अब मैं इसको ये देने जा रहा हूं, ये जो प्राण नया वाला मोटर जो भी हमने लगाया इसको मैं निकालूंगा, ये किसी काम का नहीं, ये 400 रुपये पड़ गया हमारे सर। अब यहां से मुझे लेना है कनेक्शन, यहां से मैं इसको कनेक्शन निकालूंगा यहां से, और जब भी हमारा ईयर जाम होगा और ये वाला कनेक्शन मैं खोल दूंगा, इसको कहीं पे भी मैं बाद वैल्यू लगा के ये वाला कनेक्शन, तो ये वाला इधर दिखा दीजिएगा थोड़ा, यहां से तो रन जब हो जाएगा वहां से पानी, अगर कि बिल्कुल कम पानी रन करेगा, लेकिन इस सेंसर के अंदर से रन होना चाहिए। इस सेंसर को जब ही सेंस मिलेगा पानी निकलने का तो ये रन करता है। अब वो ड्राइव आपकी है, अभी हम कर रहे हैं क्या, टैंक को कर रहे हैं खाली, ये मोटर से मेरा फायदा नहीं हुआ, ये मोटर मेरा फलाप हुआ, ये मुझे रियलाइज हुआ। अब जब मैंने यूनियन खोला तो यूनियन खोलने के बाद मुझे पानी ये इसने रन किया, इसका मतलब ये है कि ये यूनियन खोलने के बाद जो इसके अंदर है ये ड्राई रहता है, ये वाला मोटर जो मैंने लगाया उसके बाद भी ये ड्राई रहता है, तो ये ड्राई में काम नहीं करता है। तो अब उस सूरत में मुझे अब इसको मैनुअल ही रखना है, मैनुअल में इसको कनेक्शन निकाल के रखूंगा, बाहर कहीं पे भी छोड़ दूंगा, जहां पे चाबी लगाऊंगा, जब भी हमारी टैंकी खाली होगा तो वो चाबी से पानी निकालना है नेचुरल ग्रेविटी पे, यानी कि यहां से हमारा पानी निकला इस लेवल के फ्लो से, तो हमारा पानी निकलेगा, कम निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उसके बाद ये खुद रन करेगा ये वाला मोटर। इससे हमें एक चीज सीखने को मिला कि जहां कहीं भी हम ये वाला मोटर लगा लेंगे, मिनी बूस्टर, कंपनी बहुत सारे हैं, मैंने जो लगाया है ये 20,000 में है, ये वाला बूस्टर इंपोर्टेड कंपनी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो अब मैं वो ट्राई करके दिखाऊंगा, अभी टैंक खाली हो रही है, ट्राई करके दिखाऊंगा, लेकिन आई एम श्योर कि वो चीज मेरा कामयाब हो जाएगा। अब यहां से आप लोगों को मैं एक ही मैसेज दूंगा आप लोगों को सिखाने के लिए, जहां कहीं पे भी आप लोगों को प्रेशर बूस्टर लगाना है, जहां कहीं पे भी लगाना है, तो प्रेशर बूस्टर के आउटपुट में एक कनेक्शन लाजमी रखना है, जहां से प्रेशर बूस्टर का रनर जो है वो वेट होगा, क्योंकि ये रनर जो है, ये जो सेंसर है, ये सेंसर वेट में काम करता है, ड्राई में ये काम नहीं करता है। जब तक इसके साथ पानी का सेंस नहीं मिलेगा निकलने का, ये एक्टिव नहीं होगा। उस एक्टिव करने के लिए हमें एक मैनुअल कनेक्शन रखना होगा। अगर आपके पास ग्राउंड के अंदर फिटिंग की हुई है, अगर आपने दीवारों के अंदर फिटिंग की हुई है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ये चीज मैंने यहां पे रियलाइज किया अपने एक्सपीरियंस में, ये एक्सपीरियंस की, तो अब मैं अभी क्या कर रहा हूं कि अभी इसको पहले मैं ट्राई करता हूं, तब तक मैं इस मोटर को नहीं निकालूंगा, तो पहले मैं ट्राई करता हूं, उसके बाद मैं इस मोटर को निकाल रहा हूं। तो ये मोटर को मैं कर दूंगा बाय बाय, और ये वाला बूस्टर जो है ये वॉल्यूम लेस है, बाकी बेनिफिट्स है इसके सारे, सिर्फ एक ही फॉल्ट है इसके अंदर, ये ड्राई रन नहीं करता है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक दीजिए को इजाजत, अल्लाह हाफिज। इस हिसाब से हमारा हो गया अब कंप्लीट, शुक्र खुदा का, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये सारा मामला हल हो गया। ये देखो अब ऊपर रहा फिर से वही एक मिनी बूस्टर, वरना पहले हमने दो लगाया था, ये भी लगाया था और ये भी लगाया था, लेकिन कामयाबी तब भी नहीं मिली हमें। मामला क्या था, मामला था कि ये जो मोटर है ये ड्राइव है, ये ड्राई रन नहीं कर सकता है, तो उस सूरत में प्रॉब्लम हो गया था हमें। अब हम कहीं पे भी जाके इसको ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, ये चेक कर लो आप,
ये चेक कर लो। अब मोबर हमारा सही से चला, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट तो शुक्र खुदा का इससे भी मिला।